हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एएलपी और टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग या फिर एज रिलैक्सेशन एग्ज़ाम कैलेंडर के रिगार्डिंग खान सर का एक लेटेस्ट वीडियो आया है। और ये वीडियो आया है छात्रों की डिमांड पर, जो है कल की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है पटना में, वहाँ पर गए थे। और क्योंकि स्टूडेंट लगातार परेशान हैं, रेलवे की तरफ से कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो, अगर वैकेंसीज नहीं भी बढ़ानी है रेलवे को तो एक नोटिस उन्हें दे देना चाहिए कि वैकेंसीज अब नहीं बढ़ेगी और इसी वैकेंसी पर काम होगा, तो स्टूडेंट जो है यहां पर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कल रात को कुछ स्टूडेंट जो है खान सर के इंस्टीट्यूट गए थे और वहां पर उन्होंने खान सर से बोला कि सर कोई प्रॉपर वीडियो बना दो, क्योंकि अभी तक जो है खान सर ने अपने मेन चैनल पर ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और जो भी छात्रों की मांग है उसके रिगार्डिंग। तो अभी यहाँ पर खान सर ने वीडियो बना दिया है और मीडिया और रेलवे पर काफ़ी बरसे हैं, तो वो वीडियो मैं एंड में लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। बाकी आज का जो प्रोटेस्ट है, 27 तारीख है आज, और काफ़ी जगह पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर आज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो उसका भी अपडेट मैं आपको लगातार दूंगा जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। बाकी स्टूडेंट से मेरी यही विनती और सलाह भी रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको पीसफुल वे में आप लोग करें, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट उग्र होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो भोले वाले छात्र हैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होने जाते हैं उनको यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। तो जहाँ भी आप प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपनी जो बात है उसको रेलवे तक पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि खान सर ने अपने लेटेस्ट वीडियो में आईएलपी वैकेंसी और टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में क्या बोला है। और बाकी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के नाम से आती है। अगर आप लोग एएलपी के स्टेज वन यानी कि सीबीटी वन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। यहां पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको यहां पर क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं। इस एक सिंगल बुक से आप सीबीटी वन की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 35 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर। तो इन दोनों बुक की मदद से आप एएलपी सीबीटी वन की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको ले सकते हैं। जब भी वैकेंसी आती थी रेलवे में तो एक बड़ी संख्या में रोजगार देता था, रेलवे से लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था और बच्चे जो थे इसके काफी समय से इंतजार कर रहे थे, 5 सालों से। और 5 सालों में जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो महज 5696 वैकेंसी आई, यानी साल का देखेंगे तो 1100 वैकेंसी, एक साल में महज 1100 वैकेंसी आई है। और टेक्नीशियन का पोस्ट जब से रेलवे आया है तब से आता है, इस बार रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट को नहीं डाला गया। ऐसा कि रेलवे का ऐसे कहना है कि वो इसका टेक्नीशियन का पोस्ट और अगर नॉन टेक्नीशियन को मिला देंगे तो जैसे पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, सब लोग इसी बार ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। 2019 के बाद एक ही बार वैकेंसी आ रही है 2024 में, यानी 5 साल का डिफरेंस। अब ये बताइए, अगर कोई विद्यार्थी उस समय 25 साल का था, उसको लगा कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो वो 26 साल का होगा, फिर अगले साल आएगी तो 27 साल का होगा, बट अचानक वैकेंसी आ रही है 5 साल के बाद, अब वो विद्यार्थी 30 साल का हो गया। यानी अगर किसी विद्यार्थी का 25 साल में एग्जाम नहीं हुआ तो अगली बार वो एग्जाम ही नहीं बैठ पाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर हर साल 1100 ही वैकेंसी देनी थी तो हर साल देते यहाँ पर। और दूसरा क्या है, विद्यार्थियों का कहना है कि 3 साल तो कोरोना खा गया उनका, तो एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन देना आना चाहिए कि 5 साल बाद एक ही बार वैकेंसी ला रहा है, जो 26 साल का था वो उसका एज खत्म हो गया, 27 साल वाले का एज खत्म हो गया, तो एक लंबे समय के बाद दिक्कत होती है। तो ही तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट को इस चीज को समझना चाहिए और इसको रिक्रूटमेंट को तेज, थोड़ा सा इसमें सीट बढ़ाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सीट इसकी बढ़ा दी जाएगी और टेक्नीशियन के भी पोस्ट को दिया जाएगा, ताकि सबको एक तरह की समानता मिल सके। रेलवे को जैसे हमेशा से एक बड़ी रिक्रूटमेंट देते आइए, उस हिसाब से ये भी काम करेगी। की जाते हैं, करोड़ में ट्वीट जाते हैं, कम से कम ध्यान दिया कीजिए। या अगर कोई हीरो ट्वीट कर दे कि उसका कुत्ता खाना नहीं खाया है, किसी को बिल्ली को ठंडा लग गया, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया जाता है, तो न्यूज वाले लोग आपका चौथा स्तंभ है, मानते हैं कि चौथा स्तंभ टूट चुका है, लेकिन कुछ तो ध्यान दीजिए ताकि इन बच्चों का मांग जायज है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक प्रेस रिलीज कर दीजिए और बच्चों से भी कहेंगे कि शांति बना के रखेंगे। अभी आपको डिजिटली माध्यम से सरकार को बताना है, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से पूरा शासन प्रशासन भी 26 जनवरी में ही बिजी था, जिस वजह से हम भी इस चीज को समझते हैं। हालांकि सीटों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ा दी जाएगी और हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग आपको उतना करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, जॉब के लिए हमारे पास बच्चे आए थे कल रात में, कह रहे सर हम सुसाइड कर लेंगे, रोने लगे थे सब। हमारे पास में क्या चीज रहता है, हम तो बस पहुंचा ही सकते हैं। पूरा विनती करते हैं हम ताकि सीटों को जितना जल्दी हो सके बढ़ाया जाए और टेक्नीशियन के पोस्ट को दिया जाए और एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाए। हम मानते हैं कि आप लोग आप रेलवे जैसे इतने बड़े वैकेंसी में आप कैलेंडर नहीं दे सकते, क्योंकि रेलवे एक विशाल नेटवर्क है, कहां पर कौन रिटायर होना है, कौन रिजाइन दे दिया, इसका लिस्ट बनाने में साल भर लग जाता है। तो कैलेंडर अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट वैकेंसी की संख्या बढ़ा दीजिए और एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, यहां पर यही कहना है।